एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है अभी अभी। ऐसा सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि कल जब बिहार पुलिस शाम को दिशा सालियान केस से संबंधित फाइल लेने मलवानी पुलिस के पास जाती है, तो पहले तो मलवानी पुलिस उन्हें कहती है कि ठीक है, हम दिशा सालियान से संबंधित सारी फाइल, सारा फोल्डर आपको दे देते हैं। पर कुछ देर बाद सूत्रों के अनुसार पता चला है कि मलवानी पुलिस को कोई कॉल आता है, उसके बाद मलवानी पुलिस जो कि मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट का ही एक हिस्सा है, वो बिहार पुलिस से कहती है कि हमसे गलती से वो फाइल डिलीट हो गई है, यानी कि एक संदिग्ध परिस्थितियों में जो मौत हुई थी दिशा सालियान की, उससे संबंधित जो फाइल थी, पूरा फोल्डर था, वो पूरा का पूरा फोल्डर एक्सीडेंटली डिलीट हो गया है। ये बड़ी विचित्र सी बात उन्होंने बिहार पुलिस से कही। उसके बाद बिहार पुलिस ने मलवानी पुलिस को कहा कि कोई बात नहीं, अगर डिलीट हो गई है या जो भी है, हम आपकी मदद करते हैं उसे दोबारा से रिट्रीव करने में। पर उसके बाद जो मुंबई पुलिस है, मलवानी पुलिस, वो बिहार पुलिस को कहती है कि जी नहीं, अभी हम आपको लैपटॉप नहीं दे सकते हैं, वो हम देख लेंगे, हम कर लेंगे, जो भी होगा हम अपने स्तर पे कर लेंगे, उसके बाद ही आपको कुछ दे पाएंगे, अभी हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते हैं। बहरहाल ऐसा नहीं होगा कि खाली उस केस की सॉफ्ट कॉपीज या फोल्डर्स ही उन लोगों के लैपटॉप में होंगे, बल्कि मुंबई पुलिस के पास कहीं ना कहीं इसकी हार्ड कॉपीज होनी चाहिए। लेकिन अब सवालिया चिन्ह, सवालिया निशान मुंबई पुलिस पर ये लग जाते हैं कि ऐसी क्या बात हुई, किससे बात हुई, कौन है जो ऊपर से प्रेशर डाल रहा है, ताकि मुंबई पुलिस जो सबूत हैं, जो चीज़ें हैं दिशा सालियान केस से संबंधित, वो बिहार पुलिस को ना दे पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं जब कल बिहार डीजीपी ने सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस को आपस में कनेक्शन होने की बात बताई थी, उसके बाद काफ़ी चीज़ें ऐसी लग रही थी कि दिशा सालियान केस पर नज़र डालने के बाद सुशांत सिंह राजपूत केस में खुलकर निकल सकती है।